शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। एक है रुपए। क्या कर रहे हैं आप? तुमने तो कहा था कि आज तुम्हें बाजार नहीं आना, तो क्या मुझसे झूठ कहा था तुमने? और क्या सोचा था तुमने? मुझे पता नहीं चलेगा। हे भगवान, ठाकुर साहब ने कहीं हमारी बातें तो ना सुन ली? ठाकुर साहब, आप कहीं आए हैं हमारे पीछे? मैंने आपसे कहा था ना तस्वीरें बनाने को। रुक्मी, मेरी याददाश्त जरूर चली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी समझने की शक्ति भी चली गई है। क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? क्यों छुपाई ये बात? ठाकुर साहब, अब जब आपको पता लग ही गया है तो आप इस सच्चाई ने भी स्वीकार कर लो। क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, और तुम पता नहीं किस सच्चाई की बात कर रही हो। और क्या स्वीकार कर लूँ मैं? रुक्मी, बताओ मुझे, किससे बात कर रही थी तुम, जिसके बारे में तुम मुझे नहीं बताना चाहती थी? मुझे अपना अतीत याद नहीं है रुक्मी, और वर्तमान में मैंने न सिर्फ तुम पर भरोसा किया है, बल्कि तुम्हारे साथ अपना भविष्य भी जोड़ना चाहता हूँ। आप हमारी बात तो सुनो। नहीं रुक्मी, तुम मेरी बात सुनो। अगर अभी तुम अपने अतीत की परछाई से जुड़ी हुई हो, तो फिर क्यों किया मुझे वादा? क्यों कहा था कि तुम हर हाल में मेरा साथ दोगी, मेरी खुशी का ख्याल रखोगी? मैं तो तुम्हारी जिंदगी से इस मठ को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा था ना, फिर क्यों रोका तुमने मुझे? क्यों? मैंने आपको रोका क्योंकि मैं ना चाहती थी कि आप कहीं भटक जाओ। मैंने आपको रोका क्योंकि मारी को लगा कि आपके बगैर हरे को भी मंजिल ना मिलेगी जो मैं चाहूंगी। मैं ना जानती थी कि आप हरी श्रद्धा पर शक करेंगे। रुक्मी, तो ये हालात भी तो तुमने खुद ही पैदा किए हैं ना। ठाकुर साहब, आप अपना अतीत भुलाकर हमारे साथ जुड़ना चाहते? मैं भी अपना अतीत भुलाकर जीना चाहूं, पर कुछ रिश्तों की डोर अभी भी हमारे से बंधी हुई, उसे तोड़े बिना मैं छुटकारा ना पा सकूं। काश मारी भी आपके जैसी हालत होती तो आज मारे को आपसे झूठना बोलना पड़ता। रुक्मी, तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें अपना समझता हूँ, और शायद इसलिए तुम्हारे पीछे यहाँ चला है। लेकिन अगर मेरे इस तरह आने से तुम्हारी खुशी में कोई बाधा आई हो, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। शायद मैं ही अपनी बेहोशी तुम पर थोप रहा हूँ। मुझे बोलने दो रुक्मी, तुम नहीं जानती, लेकिन अकेले मैं बार बार यही कोशिश करता रहता हूँ कि किसी तरह से मुझे कुछ याद आ जाए, कुछ याद आ जाए कि आखिर मैं हूं कौन, कहां से आया, लेकिन कुछ याद नहीं आता। जब आज तक मैं खुद के बारे में कुछ नहीं याद कर पाया, तो फिर मुझे क्या हक बनता है तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करने का? सच तो ये है रुक्मी, जिस दिन से तुम्हारे बापू आए हैं, तुम बदल गई हो। मैं समझ सकता हूँ रुक्मी, तुम्हारे बापू ने कहा होगा कि एक ऐसे आदमी से जुड़कर क्या फायदा जो खुद अपने बारे में ही नहीं जानता। शायद इसलिए तुम मुझसे दूरियां बढ़ा रही हो, है ना? ठाकुर साहब, ऐसा कुछ ना है। तो फिर क्या बात है रुक्मी? एक तरफ तो तुम मुझे मठ से चले जाने से रोकती, और दूसरी तरफ यहाँ छुपकर मुझे झूठ बोलकर फोन करने आई, जबकि तुमने खुद मुझे साफ साफ कहा था कि तुम्हारा अपने अतीत से कोई नाता नहीं है, सबसे रिश्ता तोड़ चुकी हो तुम। नाता तोड़कर आई तो थी, पर ना जानती थी कि वो सारे नाते एक बार फिर से हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, जो हमारी राह भटका देंगे। आप जानना चाहो हो ना कि मैं अठे किसे फोन करने आई थी? मैं अठे बापू ने फोन करने आई थी, उनसे कहने आई थी कि वो हमारे से अपनी मुलाकात के बारे में हमारी माँ को ना बताए। हमारी माँ सौतेली है, मैं ये बात आपको बताना ना चाह रही थी। आपको तकलीफ हुई इस वास्ते बता रही, मैंने अपने बापू को ये बताने वास्ते फोन किया था कि वो हमारी माँ को ये ना बताएं कि मैं जिंदा हूँ। कम से कम
तुम्हारे ना होने की खबर से वो चैन से तो रह पाएंगी। अगर वो रसाल का फोन नहीं था तो फिर किसका फोन था? आप बाहर को बता का ही नहीं रहे हैं जी। अरे मैं बोली हूँ ना थारे को कि मेरा काम का फोन था, फिर क्या बार बार पूछ रही है मेरे को? मैंने आपको बेटा कहते सुने था। जी वो रसाल ना थी तो आप किसको बेटा कह के बुला रहे थे? अब तुम्हारा दिमाग खराब मत कर, जरूरी ना है कि कोई भी फोन आए तो मैं थारे को खबर दूं। अरे इस घर में तो एक पल का चैन नहीं है। मारे को पक्का शक है ये रुकवी ही होवेगी जिसे ये बेटा कह के बात कर रहे थे, वरना हमारी सामने बात करते ना। अब तो मैं हैंड पे कड़ी नजर रखूंगी। अगर वो रुकवी ही निकली तो इस बार तो मैं उसे लौटने ना दूंगी। और रुकमी का रसाल के सामने आने का तो सवाल ही ना उठे। बिंदनी, यू कागजात दिए हैं वकील साहब ने संभाल के रखने वास्ते थारे को, ले इन्हें संभाल के रख ले। जैसे हमारे पास रहना था वो ही ना रहे, अब पेड़ कागजात को अपने पास रखकर क्या करूंगी मैं? बिंदनी, यो कागजात थारे होने वाले बच्चे की अमानत है थारे पास, ले इस अमानत ने संभाल ले। भावली, यो ही तो थारे आने वाले काल की सुरक्षा है, थारे वास्ते और थारे होने वाले बच्चे के वास्ते। ये लो रसाल। क्या है ये? मैंने तुम्हारे नाम पर एक जमीन खरीदी है, इस कागजात को संभाल कर रख दो। क्यों? मैं क्यों संभाल के रखूं? आप हो ना, आप ही संभाल के रखो इसमें। मैं कोई जिम्मेदारी को जोखिम ना चाहूं। क्यों? तुम मेरी बिंदनी हो ना, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाओगी तो कौन उठाएगा? आप उठावेंगे, आप भी तुम्हारे बिंद हो। रसाल, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उठाऊंगा। मान लो अगर मुझे कुछ हो गया तो। आप भगवान के वास्ते ऐसी बातें ना करो। हाँ, चाहिए मारी को ऐसी जिम्मेदारी जिसके वास्ते आपको मारे से दूर जाना पड़े। जानो ठाकुर साहब, मैं तो माताजी महाराज से प्रार्थना करूं कि जे दूर जानो भी पड़े तो मैं जाऊंगी पहले अपनी मांग में आपके नाम को सिंदूर लेकर। आप पर आने वाली हर मुसीबत को मारे से होकर गुजरना होवे को। मेरी प्यारी बिंदनी, इस दुनिया से जाने के लिए कोई चॉइस नहीं है, जो तुम मुझसे पहले चली जाओ। कि आप मारे से इस तरह बात करोगे तो मैं आपसे बात ना करूंगी। अरे तुम, और आपकी हंसी मारे को बिल्कुल अच्छी ना लगे। अच्छा, अब मेरी हंसी भी अच्छी नहीं लग रही है? मेरी आंखों में देखकर बोलो तो कि तुम्हें मेरी हंसी अच्छी नहीं लगती। ठाकुर साहब, ये आज आप कैसी बातें करो? आप हमारे वास्ते भेंट लाए हो या रुलाने को सामान? अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था बस। फिर कभी भी मजाक में आप ऐसी बात ना करना। अच्छा ठीक है, नहीं करूं। कमाल की बिंदनी है मेरी, मजाक मजाक में भी रोने लगी। खड़ो मजाक क्यों है आपने मारे साथ? भाभी साहब, प्लीज समझिए ना, हालात पर आंसुओं का कोई असर नहीं होता। मैं तारे भाई साहब के बिना छेड़े की सोच भी ना सकूं मैं। पर अपना सिर मारे को जीड़ो है, बल्कि उनके धरोहर को भी संभाल लो। इन कागजात को देख देख कर वो सारे लम्हे मारी आंखों के सामने आ जावे। जब तारे भाई साहब भेंट के तौर पर हमारे नाम कुछ संपत्ति की थी, आज वो ना रहे। पर ये कागजात हमारे पास रह गए,
सिर्फ ये कागजात। ना भाभी सा, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये भाई साहब का सपना है जिसे आपको पूरा करना है। भाई साहब जरूर आपको देख रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि कब आप उनके सपने को पूरा करेंगी। भाई साहब को अपने आंसुओं से रोक के मत भाभी साहब, उन्हें अपने आगे का सफर पूरा करने दीजिए। अपने दिल को समझा के उन्हें विदा कीजिए। उनके बच्चे को बड़ा करके उसे उनकी गद्दी पे बिठाइए। अगर आप ऐसा करेंगी ना भाभी साहब, तो भाई साहब की आत्मा को शांति मिलेगी और आपका जीना भी आसान हो जाएगा भाभी साहब। रुक्मी, अगर तुमने मुझे अपनी सौतेली माँ के बारे में पहले बता दिया होता तो I'm sorry रुक्मी, लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत अधूरापन सा लगता है रुक्मी। हमारे को भी आपकी फिक्र है ठाकुर साहब, इसी वास्ते हमारे को अपने कुछ फर्ज पूरे करने पड़ रहे हैं। मैं भी आपसे माफी मांगू, मैं आपसे झूठ बोलकर बापू ने फोन करने गई। दरअसल मैं ना चाहती थी कि हमारे घर में बापू के सिवाय किसी को भी हमारी खबर मिले। क्यों, तुम्हारे घर में और भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते? ना ठाकुर साहब, ऐसी बात ना है, बल्कि हमारा एक छोटा भाई है जो हमारे को सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करेगा। एक छोटी बहन है जो हमारे वास्ते पूरी दुनिया से लड़ सके। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर तुम साध्वी क्यों बनना चाहती हो? ठाकुर साहब, मैं ना चाहती थी कि हमारी वजह से हमारे भाई बहन या हमारे बापू को कोई परेशानी हो। दूसरों को खुशी देने में शायद हमारे को भी खुशी मिल जाए, यही सोचकर अठे आ गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ रुक्मी, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। कभी भी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा, तुम भी मुझसे वादा कर, कभी दुखी नहीं होगी और ना ही मुझसे कोई बात छुपाओगे। वादा करो मुझसे। कैसे कहूं आपसे कि हमारी खुशी आपके हमारी बहन के साथ रहने में है, पर फिर भी इस वक्त आपको यकीन दिलाने वास्ते मारे को आपको भी खुश रखना होगा। अगर आप पाठ ना कर रही हो तो कोशिश कर रही हूं पर ध्यान ना लगा पा रही हूं। बोल बेटा। के बोलूं मासा, जैसे आपका पाठ में ध्यान ना लगे है वैसे मैं मदन सिंह की बात भुला ना पा रहा हूं। साल की सुरक्षा को लेकर वो इतनी बड़ी बात कह गया, ऐसा लगे है कि रणवीर और मेघ के वास्ते वो हमारे खानदान को दोषी माने हैं। खावरे बेटा, उसकी बात मारे को भी तक चोखी ना लगी थी, पर आज जब सोचू हूं तो लगे है मदन सिंह ने जो भी कहो वो एक पिता की अपनी बेटी के वास्ते फिक्र थी। आखिर रसाल को अपनी पहाड़ जैसे जिंदगी जो काटनी है। मासा, इसी वास्ते तो रणवीर की संपत्ति रसाल को सौंप कर उसको यकीन दिलाना चाहो कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि वो खुद अपने वंश का ख्याल रख सके। जानो हूँ भवन, थारी इंसाफ पसंदी से मैं भी वाकिफ हूँ, पर मदन सिंह ने जो भी कहो उसको लेकर अपने आप को परेशान ना कर। देखना
कल उसे भी इस बात का एहसास हो जावेगो और वो आकर थारे से माफी मांग लेवेगो। मारे को मदन सिंह की माफी की चिंता ना है मासा, बल्कि उसके भरोसे की फिक्र है। ऐसी क्या कमी है हमारे खानदान में जो कोई किसी की जान लेने लागे हो? बोलू हो ना बेटा, इस बात को लेकर अपने आप को इतना परेशान ना कर। हम पे अपनों को खोने के साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारी है जो अपने परिवार को छोड़कर हमसे जुड़े हैं। खासकर रसाल को ख्याल रखना है, सिर्फ संपत्ति देकर ना, ख्याल रखकर कि वो हम सब पर भरोसा कर सके। है हाँ मासा, यही बात साबित करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ कि मारे को रणवीर के कातिल को ढूंढकर उसे सजा दिलानी होगी, ताकि मारे को भी चैन मिल सके और मदन सिंह को भी। हेलो भाई साहब, मारे फोन पे आपका नंबर आया। ये कठे का नंबर है? बहन जी, ये पीसीओ का नंबर है। हाँ पीसीओ का है, पर ये पीसीओ कठे है। श्रवण धाम। श्रवण धाम, श्रवण धाम तो वो गांव है जटे घीसू के बापू मठ में जवाई साहब के नाम का दान करने गए थे। से किसने फोन किया था जिसे खीसू के बापू बेटा कहे हो? तो कहीं रुक्मी तो उस मठ में ना है? क्या किया था उसे? और मैं चुप रही। इस वास्ते चुप थी क्योंकि क्योंकि इसी वास्ते तो तरस रही थी अपने ठाकुर साहब के स्पर्श वास्ते जो थारे से छिन गए थे। ना वो सच ना है, कहीं अपने आप से झूठ बोले हैं रुक्मी। यही सच है, कड़वा सच, वरना तू ठाकुर साहब की इतनी फिक्र ना करती और ना ही ठाकुर साहब को हमेशा साथ रहने के लिए वचन देती। ना ये सच ना है, मैं ठाकुर साहब की सुरक्षा वास्ते और रसाल की खुशी वास्ते ये वचन देने पर मजबूर थी। एक बात आज तुम्हारी गांठ बांध ले रुक्मी, अपनी बहन को खुशी दिलाने की थारी इस कोशिश की, थारी को पहले से भी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जब ठाकुर साहब की याददाश्त वापस आवेगी। अब थारी झोली में नफरत के सिवाय और कुछ ना आवेगा, इसलिए जी ले इस घड़ी ने रुक्मी। थारी को ठाकुर साहब का प्रेम मिल गया। ना ये पाप है, ठाकुर साहब रसाल के बीत है, ठाकुर साहब थारे भी तो बीत, ठाकुर साहब थारे भी तो बीत, और अपने बीन का प्रेम पाने का ये मौका थारे को खुद थारे भगवान जी दे रहे, थारे कान्हादा थारे को दे रहे। वरना ठाकुर साहब अपने होश गवाकर थारे सामने क्यों आए? ठाकुर साहब अपने किए का कर्ज चुकाने थारे पास आए, चुकाने थारे पास आए। समेट ले अपना हक अपने आंचल में रुक्मी, वरना इस संसार ने तो थारे को कुछ ना दिया और जो भी दिया वो भी थारे से छीन लिया, तो फिर तू खुद काई अपने हाथ आई खुशियां खुद लुटाने पर तुली। छुपा कर रख ले दुनिया से, भाकर रख ले दुनिया से ठाकुर साहब, क्योंकि तू ना भी चाहे तो ठाकुर साहब एक दिन थारे करीब आकर ही रहे और उस समय तू अपने आप को रोक ना पाओ और फिर थारे सामने एक और दुविधा आकर खड़ी हो जाए। मत आने दे उस दुविधा की घड़ी को अपने आगे। जितने भी हसीन लम्हे आज थारे नसीब में आए हैं उनमें जीले रुक्मी, उनमें जीले, जीले उनमें, जीले उन्में। जब तक थारे बापू अपनी बहन को लेकर ना आवे, बहन को लेकर ना आवे, जीले अपने ठाकुर साहब के साथ, अपने ठाकुर समेट ले अपने सारी खोई हुई खुशियां, सारी खोई हुई, क्योंकि इस बार तो ठाकुर साहब के प्रेम को, ठाकुर साहब के खोना पड़ेगा, खोना।
पाले उनके प्रेम को, पाले उनके प्रेम, पाले उनके प्रेम को, पाले उनके प्रेम को, जीले रुक्मी, जीले, जीले इस पल में, जीले अपने ठाकुर साहब का प्रेम, पाले रुक्मी, प्रेम, जीले इस पल में, जीले रुक्मी, पाले अपने ठाकुर साहब का प्रेम, अपने ठाकुर साहब का प्रेम। समेट ले अपने सारी खोई हुई खुशियां, सारी खोई हुई खुशियां, क्योंकि इस बार तो ठाकुर साहब के प्रेम को, ठाकुर साहब के प्रेम खोना पड़ेगा, खोना पड़ेगा।